हेलो गाइस, सो स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। सो यहाँ पर लेकर आया हूँ एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल करेंगे, बट इस बार हम मॉडल करेंगे माया में। सो माया एप्लीकेशन में मैं एक ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा जिसमें हम एक स्कूटर मॉडल करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं माया एप्लीकेशन ओपन अप कर लेता हूँ। सो होप आपको माया आता हो। तो मैं इसके कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स भी मैं डेफिनेटली माया के भी बनाऊंगा। सो यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर व्यू में जाता हूँ, इमेज प्लेन में जाकर इंपोर्ट इमेज करता हूँ और यहाँ पर एक रेफरेंस मैं ले लेता हूँ एक स्कूटर का, इलेक्ट्रिक स्कूटर का। सो जैसे ही मैंने ये रेफरेंस यहाँ पर लिया है, अब मैं ये रेफरेंस को थोड़ा सा ऊपर शफल कर लेता हूँ या फिर ये साइड में हम लोग इस तरह से आपको जो एंगल ठीक लगे वो एंगल आप सेट कर लीजिए। सो मुझे ये एंगल परफेक्ट लग रहा है। मैं इसे थोड़ा सा स्लाइटली ग्रिड से ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर अगर आपको लगता है कि मुझे इसको लॉक करना, तो आप डेफिनेटली इसको लॉक भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, आप इसके लेयर एडिटर में जा सकते हो, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लेयर एंड असाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर लीजिए और मैं इसको लॉक कर देता हूँ। सो आप ये देख सकते हैं कि ये असाइन हो गया ये लेयर के ऊपर। इसके बाद मैं अभी जो भी काम करूँगा वो एक नए लेयर पे कर सकता हूँ। सो मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ यहाँ से। सो लेट्स टेक अ प्लेन फर्स्ट। सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट किस तरह से करेंगे। सो बेसिक ब्लॉकिंग करेंगे हम, यहाँ से कुछ स्टार्टअप करेंगे, ये एरिया से स्टार्टअप करेंगे। सो यहाँ पर जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ सबसे पहले। सो जो भी फिलहाल हम बनाएंगे वो सारा आपका ब्लॉकिंग रहेगा अभी फिलहाल के लिए। सो मैं कोई भी अभी फिलहाल डिटेल की चीज़ नहीं बना रहा हूँ, ब्लॉक करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जाकर मैं थोड़ा सा मैं डेफिनेटली इसे रोटेट कर सकता हूँ। सो रोटेट करने के लिए मैं स्लाइटली ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हल्का सा शफल कर सकता हूँ। तो शफल करने के बाद मैं मैश टूल में जाकर इंसर्ट एज लूप कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक एज लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और एक एज लूप मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो एज लूप डालने के बाद मैं एक एज लूप मैं इसके डेफिनेटली सेंटर में भी प्लेस करूंगा। सो मैं एक एज लूप इसके सेंटर में प्लेस कर लेता हूं। अब यहां पर जाकर राइट क्लिक करता हूं, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं और इसको मैं हल्का सा टिल्ट कर लेता हूं। बहुत ज़्यादा टिल्ट नहीं करता हूं, थोड़ा सा टिल्ट कर लेता हूं। सो टिल्ट करने के बाद मैं इसके वर्टाइसिस को थोड़ा सा स्लाइटली सेलेक्ट कर लेता हूं और ये एक्सेस में हल्का सा मैं इसे बाहर की ओर पुश कर लेता हूँ ऐसे करके। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे स्लाइटली पुश कर लिया। सो अगर आपको लगता है कि ये जो एजेस है ये मुझे अगर बाद में डालनी है तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो वी कैन गो इनटू दिस और इसको डिलीट एज वर्टेक्स कर लेता हूँ। अब राइट क्लिक करके इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके अब इसको मैं यहाँ से हल्का सा इसको थोड़ा सा कर्व जैसा दे देता हूँ। सो हल्का सा कर्व देने के बाद मैं इसको कर्व दे देता हूँ। अब आप यहाँ पर जा सकते हो। अब मैं यहाँ पर मैश टूल में जाकर अब मैं यहाँ पर एक एज लूप इधर प्लेस कर लेता हूँ, एक एज लूप मैं ऐसे प्लेस कर लेता हूँ। सो इसकी फेसेस जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। सो इस तरह से मैं इसके फेसेस जो है वो डेफिनेटली सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइड व्यू में जाते हैं यहाँ से और यहाँ पर जाने के बाद एक चीज़ हम यहाँ पर डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसको बैक साइड कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको स्लाइटली आपको लगता है तो मैं इसको रोटेट करवा सकता हूँ। थोड़ा सा इसे भी हल्का सा पीछे शिफ्ट कर लेते हैं।
सो फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके, और फेसेस सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं एडिटेबल मैश में जाके इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से। सो ये जो भी हम इसे एक्सट्रूड करेंगे वो आपका इस तरह से, ये जो भी फेस सेक्शन रहेगा वो इस तरह से आएगा। और यहाँ पे इसके जो फेसेस है, ये फेसेस को मैं हल्का सा ये एंगल में शिफ्ट करता हूँ, और इसके जो फेसेस है इसे भी मैं ये एंगल में शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो आप ये फेसेस को इस तरह से वर्कआउट कर सकते हो। इसकी एजेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से दोनों एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, और दोनों एजेस सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिटेबल मैश में जाकर इसके ऊपर एक बेवल दे देता हूँ। सो बेवल में थोड़े से सेगमेंट्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं आप। सो इस तरह से आप इसको रिफाइन, मैं भी जस्ट ब्लॉकिंग स्टेज में हूँ जैसे मैंने आपको बताया। इंसर्ट एज लूप कर लेता हूँ एक, आप अगर बेवल दे देते हो ना पहले से तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। सो मैश टूल में जाकर एक एज लूप, पहले एज लूप्स दे दीजिए, उसके बाद जो आपको एडिट करना हो लगे वो आप कर सकते हैं। सो एक एज लूप जो रहेगा वो आपका डेफिनेटली यहाँ पर भी आएगा। सो इसकी एजेस सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट सेलेक्ट। तो ये एजेस, ये एज और ये एज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये एज और ये एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसे फिर बेवल कर लेता हूँ। तो बेवल में आपको अगर सेगमेंट्स देने तो आप इसको सेगमेंट्स इजीली दे सकते हो इस तरह से। सो जो भी हम लोग अभी फिलहाल जो भी डिविजन्स कर रहे हैं वो बाद में करेंगे, जो भी डिटेल्स है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको अगर 3 प्रेस करूँ तो मुझे इस तरह से ये एक लुक देगा यहाँ पर, नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जाकर मैश टूल में जाता हूँ, इंसर्ट एज लूप करता हूँ, एक एज लूप यहाँ पर डाल देता हूँ और एक एज लूप यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। सो जैसे ही मैंने एज लूप यहाँ पर प्लेस कर लिया, अब मैं ये ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर जाकर इसे ब्रिज कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैं इसे ब्रिज कर लेता हूँ तो ये जो आपका सेक्शन रहेगा ये अलग से आपका यहाँ पर ये ब्रिज अप हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। अब मैं ब्रिज करने के बाद मैं थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट को ऊपर शफल अप करता हूँ, और 4 प्रेस करोगे इससे वायर फ्रेम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सो इसके फेसेस फेस सेलेक्ट करता हूँ। सो फिलहाल जो आपका यहाँ पर ये जो सेक्शन है यहाँ से मैं इसे स्ट्रेट एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से। सो डेफिनेटली जो डिटेल्स है वो हमारी यहाँ पर आएगी आएगी, वो हम करेंगे इस तरह से। बेटर लग रहा है। तो ये जो पार्ट है ये आपका डेफिनेटली सेंटर पार्ट रहेगा। अब ये दोनों फेसेस को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से एडिटेबल मैश करके इसको भी मैं यहां से ऐसे एक्सट्रूड कर लेता हूं, आर प्रेस करके इसको वर्ल्ड करके इसको यहां से स्ट्रेट। हाँ, बट एक चीज यहां पर थोड़ी सी चेंज होगी, वो
वो ये है, इसे सेव कर लेता हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक लूप पुट ऑन करेंगे। सो मैश टूल में जाकर एक इंसर्ट एज लूप प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पर, बिकॉज ये ज़्यादा लिफ्टअप नहीं होना चाहिए। कर ही सकते हम लोग यहाँ से, सो इसके फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। काफी मेथड्स है, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे कोई और मेथड से करना, तो मैं कोई और मेथड का भी यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। सो मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा इसे इस तरह से ऊपर शफल कर लेता हूँ मैं। अभी एक्चुअली देखा जाए तो मैंने पूरा एक ही पॉलीगन से बनाया। अगर आपको लगता है कि मुझे अगर कोई सेक्शन अलग से बनाना है तो मैं डेफिनेटली बना सकता हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो मैं इसे फिलहाल रोटेट कर लेता हूँ ये पार्ट को। तो जैसे ही आपका ये पार्ट रोटेट अप हो जाएगा, इसके बाद मैं एज सिंपल तो यहाँ पर जाएंगे, तो इसके फेसेस जो है वो थोड़ा सा मैं इसके फेसेस को आर प्रेस करके मैं हल्का सा अंदर कर लेता हूँ इस तरह से। ब्लॉक ही कर रहे हैं फिलहाल, सो कोई डिटेल्स अभी यहाँ पर अचीव नहीं कर रहे, सो इसके फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके। इसके सारे फेसेस आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसे मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो जैसे मैं इसे एक्सट्रूड करते जाऊँगा, इससे अगर आपको लगता है कि मुझे इसे स्केलिंग करना, तो मैं इसे इजीली स्केल अप भी कर सकता हूँ डेफिनेटली। सो आपको जैसा ठीक लगे देखो, अगर ये बाद में स्मूथ होगा तभी आपको ऐसा दिखेगा। सो इसके फेसेस फिर सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली से अंदर की ओर शफल कर लेता हूँ। सो और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइटली पीछे की ओर पुश कर लेता हूँ। सो मैश टूल में जाता हूँ, इंसर्ट एज लूप करता हूँ और इसे यहाँ पर साइड व्यू में जाता हूँ। अब थोड़ा अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे एडजस्ट अप करना, तो आप इसको ऐसे एडजस्ट अप करवा सकते हैं इस तरह से। तो एक बार फाइल फिर सेव कर लेता हूँ। सो मैश टूल में जाता हूँ, इंसर्ट एज लूप करता हूँ। तो एज लूप करने के बाद मैं यहाँ पर इसके वर्टाइसेस को स्लाइटली एकदम थोड़ा सा मैं अंदर की ओर शफल कर लेता हूँ। गाइस आपके पास दो मेथड है, अगर आपको लगता है कि मैं पूरा ही इसको नीचे एक्सट्रूड करके फिर ऊपर पुल करूँ, वैसा भी कर सकते हो। सो मेथड्स बहुत सारी हैं, आपको जो मेथड्स ठीक लगे वो कर सकते हो। आई एम जस्ट ऑन टू द ब्लॉक स्टेज राइट नाउ। सो यहाँ पर जाकर मैं एक दो इंसर्ट एज लूप डाल देता हूँ यहाँ पर। सो जैसे मैंने यहाँ पर एज लूप डाल दिए, अब मैं ये चार एज लूप इतने सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली, अगर लगता है कि मुझे इसे थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर पुश ऑन करना है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर पुश कर सकता हूँ इस तरह से। सो ये एरिया साइड व्यू में जाते हैं
F से फोकस हो सकता है, तो ये जो एरिया है ये आपका, आपको लगता है कि थोड़ा सा और आपका ऐसे ऊपर आना चाहिए, तो आप इसको ऊपर ऐसे शफल कर सकते हो। तो ये आपका अगर सीट का एरिया, यू वांट टू शो दैट, ये पार्ट को सेलेक्ट कर लेते इतना, और इस समय आर प्रेस करके थोड़ा अंदर की ओर रीसाइज अप कर लेता हूँ। तो मैश टूल में जाता हूँ, एक इंसर्ट एज लूप करता हूँ यहाँ पर, ये आपका जो रहेगा ये बेसिकली आपका सीट एरिया रहेगा, और इस समय सेडेटेबल मैश में जाकर एज को भी आप लगता है कि मुझे थोड़ा एक्सट्रूजन करना चाहिए एज के ऊपर, तो आप एज के ऊपर भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। सो यहां पर ये वर्टाइसिस को मैं फिर सेलेक्ट कर लेता हूं, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक दिस अ बिट अप इन दिस वे। So select the vertices और इस समय slightly scale करते जाओ। So इसकी edges select करता हूँ, let's select edges and let's give a bit of bevel, थोड़ा bevel दे देता हूँ इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही। तो मैश टूल में जाकर एक एज लूप यहाँ पर भी प्लेस कर लेता हूँ, और ये जो पार्ट रहेगा ये सेक्शन, आप अगर आपको थोड़ा सा थिक करना तो कर सकते हैं आप यहाँ पर जाकर। सो लेट्स गो अगेन ओवर हियर, लेट्स पुट वन एज लूप ओवर हियर। Not a problem. So mesh tool में जाकर यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप मल्टी कट का यूज कर सकते हो। सो मल्टी कट से आप कोई भी पर्टिकुलर मेश को यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करवा सकते हो। तो जब भी आप बेवल दोगे तो ये तो आपको प्रॉब्लम आना ही आना है, बिकॉज आप वो पर्टिकुलर एरिया को वो कर रहे हो, चैम्फर अप कर रहे हो। सो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम देगा, बट इसको मैं स्लाइटली ऊपर कर लेता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा सीट जैसा लुक दे। सो फोर प्रेस करके आप चेक करो कि आपका कोई और वर्टाइसेस सेलेक्ट तो नहीं हो गया, और इसमें एक बार थ्री करके चेक करता हूँ, कैन सी दिस। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो ऐसा अभी देखा जाए काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हमें यहाँ पर करना अभी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो पैरेलली जो हमारे बाकी के जो ट्यूटोरियल्स कंटिन्यू है वो तो रहेंगे ही चालू, सो इसके साथ साथ हम ये भी कवर अप करेंगे। सो Thanks for watching this tutorial.